ओके सो हे गाइस, बस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस मुझे पता है कि यार मैं जो है काफ़ी टाइम बाद वीडियो ला रहा हूं यार आप सभी के लिए, एंड फेस रिवील तो यार मैंने काफ़ी टाइम बाद ही किया है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि गाइस मैं भी वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके पीछे गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि गाइस मेरी अब वो सॉल्व हो चुकी है। एंड गाइस आप लोगों को जो आपसे रेगुलर कंटेंट मिलेंगे तो आप लोग गाइस पहले की तरह सपोर्ट बनाए रखना, आप लोगों को सभी कंटेंट एक साथ मिलते रहेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप लोग मेरे को जैसे आप पहले की तरह आप मेरे को कमेंट में मेंशन करते थे वैसे ही आप मेंशन कर देना, आपको जो है मतलब कि पोस्ट का उस पोस्ट का जो आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो आप लोग बस वैसे ही आप मतलब आपको करना है सेम चीज़, आपको बताने की जरूरत है नहीं। तो आप लोग क्या करना है गाइस, आप लोगों को अब एक चीज़ और करनी है गाइस जो कि गाइस आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना है, क्योंकि गाइस क्या है कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करोगे तो गाइस मुझे पता रहेगा कि गाइस मतलब कि मेरे को किसके मैसेजेस सीन करना है और किसके नहीं। तो आप लोग मेरे को एक बार वहाँ पे फॉलो जरूर कर लेना, उसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम को। तो आप लोग मेरे को वहाँ फॉलो जरूर करना या फिर आपको यूजर नेम स्क्रीन पे दिख जाएगा तो आप लोग वहाँ पे जाकर सर्च करके मेरे को फॉलो कर सकते हो। एंड गाइस अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा एडिटिंग से रिलेटेड तो मैं उसके ऊपर गाइस आप लोगों की हेल्प करूंगा। तो गाइस आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करना। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड करना, पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना फिर आप जाकर डाउनलोड करना। एंड बाकी गाइस जो भी मतलब स्टेप है ना इसमें गाइस आप लोगों को ध्यान से देखना ताकि आप रियलिस्टिक तरीके से एडिट कर पाओ, क्योंकि गाइस इसमें कई बार क्या होता है कि आप लोग जो है मतलब वीडियो कंप्लीट नहीं देखते एंड एडिटिंग करने जाते तो आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट हार्ड लगता है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ईजी स्टेप में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है? तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है? इसका जो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जाएगा उसको डाउनलोड करना, ठीक है? तो अब गाइस देखिए जब आप ये आपको ये जो फोटो है आपको जो फोटो अपनी क्लिक करवानी हो कुछ गाइस इस टाइप से आपको कहीं पर बैठ के क्लिक करवा देनी है, ठीक है? उसके बाद गाइस आपको जो इसका बैकग्राउंड इरेज करना है, इसका इरेज करने के लिए हम यहाँ से ड्रॉ टूल का यूज़ करेंगे एंड ड्रॉ टूल का यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे इरेजर लेंगे। इरेजर में लेने के बाद हम यहाँ पे जो है लेयर में जाकर हम लेयर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? एंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद जो हम यहाँ से हल्का हल्के से मतलब हल्का हल्का नहीं नीचे से हम इरेज करना स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जो ब्रश की जो सेटिंग्स है वो आपको हार्डनेस कम करके 90 तक रखनी है एंड साइज़ जो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? एंड इसके ऊपर मैंने पूरी मतलब कंप्लीट वीडियो बना रखी है, अगर आपको इनमें से जो भाई देखना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है तो वो वीडियो जाकर देख लेना। तो बाकी गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करूँगा क्योंकि गाइस मैं आपको पूरा यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो गाइस देखिए हमारा बैकग्राउंड वगैरह सब इरेज है, ठीक है? मैंने पहले सीख कर रखा था। तो अब क्या करेंगे हम इसको जो है मतलब कि यहाँ से बैक चलेंगे एंड यहाँ से जो हम ऐड करेंगे अपना जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब गाइस देखिए आप ऐड फोटो में जाएंगे, जिस मॉडल का हमने बैकग्राउंड अभी रेज किया था उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये रहा वो हमारा मॉडल, अब इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। अब गाइस देखिए इसको ऐड करने के बाद जो है गाइस आप देखिए आपको जो साइज़ है वो गाइस यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जो पीछे जो आपको पिलर दिख रहा है गाइस उसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है? ऊपर की तरफ गाइस आपको ब्लैक वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको वहाँ तक आपका हेड होना चाहिए और पीछे पिलर पर आपका हल्की सी बॉडी टच होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसकी जो ओपेसिटी है वो कम करके रखनी है, ठीक है? यहाँ पे मतलब कि ओपेसिटी जो यहाँ पे कम ही रखेंगे, बाकी गाइस ठीक है इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है? तो बाकी वो हम बाद में करेंगे, पहले इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं, जो इरेज वरेज करना है उसे कर लेते हैं। तो इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर को सिलेक्ट करेंगे, हार्डनेस को फुल कर देंगे, साइज को हम छोटा करके एंड जो फोटो को जूम करेंगे एंड यहाँ से जो है गाइस आपको जो लड़की का जो मतलब जितनी बॉडी है वो आगे की तरफ रखनी है हमें, तो बाकी का जो मॉडल है उसको हमें पीछे की तरफ पहुँचाना है, तो उसके लिए हम आगे का पार्ट जितना भी इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको इरेज करते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस हमारा इतना काम हो चुका था, अब हम जो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे फुल कर देंगे एंड गाइस अब देखिए इसमें हमें थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं जो कि हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है? इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट में जाके यहाँ से हम कलर्स वाले ऑप्शन में जाके यहाँ से हम जो ब्राइटनेस है यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। बट गाइस अभी हम यहाँ पे इसको नहीं करते हैं, यहाँ पे हम छोड़ देते हैं क्योंकि गाइस इसको जो हम यहाँ पे लाइटरूम ऐप में भी कर लेंगे, ठीक है? तो अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बाकी हम क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा जो कुछ पार्ट जो इरेज करने के लिए रह गया था तो उसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, ठीक है? जैसे कि गाइस हेयर्स के ऊपर व्हाइट वाले जो पार्ट है इसको हम हल्का हल्का इरेज कर लेते हैं। अब गाइस बात आती है हमारे इस पे मॉडल के ऊपर शेडो बनाने की, तो शेडो बनाने के लिए हम जाएंगे ऐसे ऐड फोटो में बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद क्या करेंगे गाइस यहाँ पे हम इसके साइज़ बड़ा करेंगे एंड इसको ले जाएंगे मॉडल के नीचे, तो यहाँ से मूव डाउन पे क्लिक करेंगे एंड वो नीचे चले जाएगा।
उसके बाद गज हम इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके हम जो है मतलब यहाँ पे ब्रश के साइज को इंक्रीज कर लेंगे। उसके बाद हमें जहाँ जहाँ पे शेडो चाहिए मोहिमे पे पेंट करेंगे, उसके अलावा और कहीं पेंट नहीं करेंगे, ठीक है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखिए गाइस हमने पेंट कर लिया है, एंड बाकी जो अब इसकी ओपेसिटी मैं हल्की सी कम कर लेंगे, एंड जो साइड में गलती से मेरे से पेंट हो गया उसको मैं इरेज कर लेता हूँ। सब परफेक्ट है, अब इसको हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से जो अब हम इसको यहाँ पे इजीली डन कर सकते हैं, ठीक है, अब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसको हम डन कर लेते हैं। अब गाइस देखिए इसमें बात आती है हमारी थोड़ी सी अर्जेंट की, तो जो कि हम लाइट रूम मैप में अच्छे तरीके से बिल्कुल कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए इसको सेव कर लेंगे, इसको लाइट रूम मैप में करेंगे जो भी करना है, क्योंकि भाई पिक्सआर्ट का काम हमारा इतना ही था। तो अभी जो है मतलब यहाँ पे लाइट रूम मैप में हमने फोटो ऐड कर लिया है, तो अब क्या करेंगे गाइस, हम पहले यहाँ पे जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन में, लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम इसका कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज कर देंगे थोड़ी सी, एंड जो शेडो है इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से नीचे की तरफ जो आपको हार्डनेस पूरा फुल कर देंगे, जो ब्लैक्स है ब्लैक्स को हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है, ब्लैक्स को कम कर देंगे, एंड जो वाइट है इसको इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, वाइट को भी कम कर देते हैं यहाँ पे। फिर जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है,